ना राती रे सोई पारू थिली, ना समय समय रे परिश्रम करिबा कम करी पारू थिली। दुई दुई थर विफल होई थिली, किंतु स्वप्न देखिबा पा परिश्रम करिबा केबे बंद करी नथिली। प्रशासक हेबा पाई परिश्रम निष्ठा सह धैर्य निहाती आवश्यक। रैंक नहीं मु बहु खुशी बोली कहिछन्ते 591 रैंक रे रही भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा रे कृतकार्य होइथिबा साईराज मिश्र। आउ ई वर्ष यूपीएससी परीक्षा रे मोर 591 रैंक आसी छे। ऑनेस्टली त मते रिलीफ फील हो छे कि किछि गुटे कंक्रीट रिजल्ट मिलला ई एग्जाम रो, जेंटा कि बहुत अनसर्टेन बहुत डिफिकल्ट, बट माँ बापा के देखी किना, जेजेमा के देखी किना, परिवार जन के देखी किना, संग साथी कर खुशी देखी किना मुई बेसी खुशी अछे। स्वप्न तो अच्छे कि जेन भी किसी सर्विस मते एलोकेट हबा मोर रैंक बेसिस रे, सेतरे मुई जस्टिस करमी, बॉल से ट्रेनिंग करमी, आउ कंट्रीर डेवलपमेंट रे, कंट्रीर प्रॉस्पेरिटी रे मुई जेन भी मोर व्हाट एवर रोल मते असाइन हबा मुई सेतरे निजर बेस्ट देबा के चेष्टा करमी। घरे तो डेफिनेटली माँ बापा सेमाने पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तापरे मोर दीदी जी कि जने डॉक्टर अछे, गायनेकोलॉजी करछे पीजी, तो से होचे मोर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आल्सो मोर बेस्ट फ्रेंड। से भी मते सबुबेले गाइड करथला, सबुबेले मुई ताके सबु शेयर करथली, मोर जहाँ भी इनसिक्योरिटीज अछे, डर लागुछे, वल्नरेबिलिटीज अछे, मुई ताके सबु शेयर करथली। तो डेफिनेटली मोर इमीडिएट फैमिली तो मते सबुबेले हेल्प करछन, ता छड़ा एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर मानकर भी पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट थिला। आउ मोर सांग साथी माने भी मुई मो बलांगीर रहिकि ना प्रिपेयर करथली, तो मोर सबु स्कूल सांग माने इन अछन, तो जेबे भी मते भन लागछ हमें केबे क्रिकेट खेली पलोथलु, केबे चा भी पलोथलु, भुजा खाई पलोथलु, तो सेटा लागि माइंड एंगेज थिला। हाँ, इंटरव्यू स्टेज तो समस्ते कहसन, आ इंटरव्यू के ट्रिकी स्टेज है, मैंने एंता कही नहीं पारन कि जनकर पर्सनालिटी के 30 मिनट्स रे भल से एसेस करी हबा। लक रा फैक्टर रहुचे, बहुत बोर्ड्स रहसी, आ बोर्ड्स रा मार्क्स रे भी वेरिएशन रहसी। फॉर एग्जांपल मते इथर सुमन शर्मा मैम बोर्ड पढ़ीला, गोटे आईएएस ऑफिसर, तांकर बोर्ड रे बहुत कम मार्क मिलती छुआ मन को, बट मते 190 मार्क्स मिलता। तो इधर लगे मुझे नहीं पारे कि मोर पर्सनालिटी बहुत अधिक आते मुझे बहुत ही एलिजिबल ना, मे बी से टाइम रे राइट पर्सन राइट टाइम रे मोर कथा भल लगी आते लोग लगे से दिन भल नहीं, बट एक्चुअली से बहुत भल पर्सनालिटी थे। तो डेफिनेटली गोटे फैक्टर ऑफ लक रोचे। आउ कमिंग टू द कॉन्फिडेंस एस्पेक्ट, आई थिंक आमको निजर प्रति श्योर रहा कथा, आम जेन भी बैकग्राउंड आसो जेन भी आम अच्छे आम से डिस्कार्ड करना किसी के इमिटेट करवा चेस्टा करार कथ नुएं। फर एक्जामपल इंटरव्यू रे क्वेश्चन कि तुम गोटे सर्टेन वे रे प्रिपेयर हे, एंता बटन अनहुक हुक कर, मुझे यार किसी भी नहीं करती, मुझे जनता अच्छे सिंपल सेन्ता कली जहाँ मोर पर्सनाली से शो कली, आउ डेफिनेटली से मार्क्स रे भी रिफ्लेक्ट होगा। बलांगीर सहर नलखंडीपड़ा निवासी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संजय मिश्र और शिक्षयित्री रेणुका शतपथी पुओ साईराज स्थानीय विश्वात्मा विद्यालय दशम पढ़ा पर जुवोदय हायर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान में युक्त दुई शिक्षा ग्रहण करते। साईराज सफलता को नहीं परिवार सह बलांगीर अंचल खुशी लहरी खेली जा प्रॉपर्ली प्रकाश हो पारने भितरे जो खुशीटा रोचे बहुत खुशी लगुच किए कौ बापा माँ खुशी हेन पुअर सफलतार दैट टू यूपीएससी गोटे डिफिकल्ट एग्जाम इंडिया रा सब टॉप मोस्ट एग्जाम हो यूपीएससी नंबर वन रखी तो से मोर पुओ सफलता पाई तो बीइंग ए फादर डेफिनेटली इट सुड बी हैप्पी एंड आई एम हैप्पी। देखु पिलादिन एजुकेशन पार्टा तार माँ देखी है मु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब देखुली मत कहले पुअर ये बही दरकार मुझे आणुली पुह को एठाकू नब मुझे पुह को सेठाकू नहीं जाऊली पुअर आज डिबेट कंपिटिशन अच्छी से निश्चय सेठी पार्टिसिपेट कर तुम्हें तुम कम तुम्हें एडजस्ट करठू नि कमरे एडजस्ट कर पुह को सेठू नहीं पार्टिसिपेट करी से बसिकी तार शुणुली तार पॉजिटिव नेगेटिव कौन कहला पॉजिटिव भी कहूली नेगेटिव भी कहूली नेक्स्ट डिबेट कंपिटिशन रे ताकू से एक्टिफाई करूला सब माने बलांगीर स्टार्टिंग रु अप टू तीन क्लास रु आरंभ है तार डिबेट कंपिटिशन संग कंपिटिशन गीता कंपिटिशन गला आपणकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स सबुथरे ताकू पार्टिसिपेट करिया पे प्रोत्साहित करथली। मोर पु जने आईएएस ऑफिसर हो बोली आउ जदि से आईएएस ऑफिसर हेबा बोले मुझे संस्कार देची ताको पिला दिन रु से निश्चय तार मैंने स्वच्छता स्वच्छता सत्यवादी तारे से कार्य करिवो बोली मु भावुची मते तो केमिति लागुची मु जानी पारुनी फळे न नम्रती जे अछरे फळ तार मैंने पूरा भरपूर थाए से गछटी तो निश्चय लई कि रहिबो
ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଶେଷ କିଛି ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି। ଖୁସିଟା ମୋ ଭିତରେ ସେ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖୁଛି। ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପିଲାଦିନରୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲି, ପୁରା ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଗି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବାଳବିନୋଦରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଶିକ୍ଷାଟା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ, ସେହିଦିନରୁ ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଦିଗରୁ କରିକୁଲାର କୋ କରିକୁଲାର ସବୁ ମୁଁ କରିକୁଲାର ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ତା ବାପା କୋ କରିକୁଲାରରେ 100% ସପୋର୍ଟ ସେ କରୁଥିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନଠୁ ବାପା ମାଆ ତତ୍ପର ହୋଇକରି ଡେଡିକେଟେଡ଼ ରହିବା କଥା ନିଜ ଛୁଆ ପ୍ରତି। ପୁରା ତାର ମାନେ ସେ ନା ଇଏ ତ ନର୍ସରୀ ପଢ଼ୁଛି, ଏ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ, ସେ ନର୍ସରୀର କୋର୍ସ ଯେମିତି ସେ 100% କରିପାରିବ, ପୁରା 100 ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇଟା 90 ହଉ 99 ହଉ, କିନ୍ତୁ 100 ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଆମେ 100 ଦେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେତେ ତାର ମାନେ ବୋଝ ଲଦିଲେ ବି ସେ ଆଗକୁ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ, ଆମର ବିନା ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ବି ପିଲାଟି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଆର ଭୂମିକା, ପୁରା ମାଆ ହେଉଛି ପିଲାର ଶିକ୍ଷାରେ ତାର ସଫଳତାରେ ମାଆ ତ ପୁରା ମେରୁଦଣ୍ଡ। କାହିଁକିନା ବାପା 24 ରହିପାରିବେନି ପିଲା ପାଖରେ, ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ କଲେ ବି ସର୍ଭିସ୍ରୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ଼ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, କିନ୍ତୁ ବାପା ତ ସେ ରହିପାରିବି ନା ଘରେ, ସେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁ କି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଉ। ଅଛି ସେ ବି ଯଦି ତା ପିଲା ପାଇଁ ଛୋଟରୁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି ତାର ମାନେ ବସିବ 2 ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ବି ନିଶ୍ଚୟ ତାର ମାନେ ତାର ଅନୁସାରେ ତାର ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଟ୍ ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନିଶ୍ଚେ ହୋଇପାରିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚାଲ।